14 जुलाई 1789 को फ्रांस के पेरिस शहर में, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है, 7,000 लोगों ने पेरिस के एक शहर, जो पेरिस के एक किला फोर्ट बैस्टिल, जहाँ पे जिसका इस्तेमाल एक जेल के रूप में भी किया जाता था, एक स्टेट प्रिजन के रूप में किया जाता था, वहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया था। लोगों के अंदर ना लोगों में ये र्यूमर फैला हुआ था कि राजा ने आर्मी ट्रूप्स बुलाए हैं, और ये जो राजा ने आर्मी कॉल किए हैं वो आर्मी लोगों पे ओपन फायर करने वाली है। लोग ना डर गए थे, घबरा गए थे, और लोग हथियार की तलाश में उन्होंने क्या किया है, फोर्ट बैस्टिल पे अटैक कर दिया। लोगों को उम्मीद थी कि फोर्ट बैस्टिल के अंदर हथियार होंगे, गन होंगे, बॉम्ब होंगे, तो वो क्या करते हैं, इस बैस्टिल पे अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे जो राजा के गार्ड थे या जो फोर्ट बैस्टिल की सिक्योरिटी के लिए जो भी गार्ड थे वो रेजिस्ट करते हैं। दोनों तरफ से कॉम्बैट होता है। रिजल्ट क्या निकलता है कि लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, 7,000 लोगों की भीड़ थी, तो वहाँ के जो भी सिक्योरिटी में थे उनको मार दिया गया। फोर्ट बैस्टिल के जो कमांडेंट थे, जेलर थे, उसको मार दिया लोगों ने। और उस टाइम पे ना जेल के अंदर मात्र 7 ही कैदी थे, तो लोगों ने उन कैदियों को भी आज़ाद करा लिया। फोर्ट बैस्टिल का जो ये इवेंट है ना, ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन में इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि लोगों ने पहली बार राजा के अगेंस्ट खुल के रिवोल्ट किया था। इसके जो भी रीज़न है डिटेल में पूरे चैप्टर में हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन जब बात होगी फोर्ट बैस्टिल के डिमोलिशन की, फोर्ट बैस्टिल के स्टॉर्मिंग की, तो आप याद रखेंगे डेट 14 जुलाई 1789, और रीज़न क्या था, वाई पीपल अटैक फोर्ट बैस्टिल। सो द पीपल ऑफ फ्रांस और पेरिसियन पीपल अटैक्ड फोर्ट बैस्टिल इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। देयर वाज अ र्यूमर स्प्रेड इन द सिटी ऑफ पेरिस दैट द किंग वुड कॉल अ ट्रूप हु वुड ओपन फायर ऑन पीपल। सो इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन पीपल स्टॉर्म्ड फोर्ट बैस्टिल, किल्ड द कमांडेंट एंड सेट 7 प्रिजनर्स फ्री। तो अब आपको याद रहेगा ना फोर्ट बैस्टिल का इंसिडेंट क्या था, क्यों हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था। थैंक यू।